हाय बच्चों, वेलकम टू बी रिंकू। आज हम क्लास टेंथ मैथ एनसीईआरटी के बुक के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैं 4 क्वेश्चन कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आई रिकमेंड उन वीडियो को देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए क्या करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। उसमें आपको मैं एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना के दिखाता हूँ, फिर बात कर। तो बच्चों देखो, आप एक इस तरह का एक गार्डन है, ठीक है। क्या है ये हमारा गार्डन। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हूज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। देखिए, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है। बाउंड्री होती है, बाउंड्री को अगर मैं मेजर करूँ पूरी बाउंड्री को, तो उसको हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर। हमें क्वेश्चन कह रहा है पहले हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हूज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेंथ बी एन, ठीक है, ऑफ ए नेक, यहाँ पे हमारा जो विड्थ है विड्थ बी बी, तो हमें कह रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, ठीक है, 4 मीटर ज़्यादा है। ओके, ये पहली क्वेश्चन है हमारी, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि एन इक्वल 4 प्लस बी लिख सकता हूँ मैं। मैं बी को यहाँ ला सकता हूँ, चले गए आते हैं, तो क्या होगा एन माइनस बी इक्वल 4, तो आपकी पहली क्वेश्चन हो गई, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन में जंप ऑन करते हैं। दूसरी कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताइए? 2n + b होता है, यही होता है ना। तो हमें कह रहा है कि इसका हाफ जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितने इक्वल है? 36 मीटर के इक्वल है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने हाफ लिखा है तो यहाँ पे भी हाफ आएगा, तो क्या लिखूँगा? हाफ इंटू 2n + b, 2n हो गया, क्या बचा? 36 मीटर इक्वल n+b, और मैं लिख सकता हूँ 2n + b इक्वल 36। तो ये क्या आ गया आपका? दूसरा इक्वेशन आ गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, पहली है n-b इक्वल 4 और दूसरी है n+b इक्वल 36, ठीक है। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो इसको करने का बहुत सारे तरीके हैं। मैं ग्राफिकल मेथड कर सकता हूँ, मैं ग्राफ को यूज कर सकता हूँ, मैं एलिमिनेशन मेथड कर सकता हूँ, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हर तरह के मेथड सॉल्व करने का तरीका सिखाऊँ आपको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम यहाँ पे अभी एलिमिनेशन मेथड करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हम इनमें से एक वेरिएबल को हटा देते हैं। हटाने का तरीका ये होता है, या तो हम माइनस कर दें, और अगर उनमें से एक माइनस में पेरेंट है तो उनको ऐड कर दें। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एड इन इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। तो क्या आएगा? n-b = 4 और यहाँ पे n+b = 36। मैंने इनको ऐड किया तो माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 2n, और यहाँ पे इनको ऐड किया तो 40। तो n कितना आया? 40/2, तो n कितना आ गया आपका? 20 मीटर। अब क्या करेंगे हम? लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल 20 मीटर इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन में लिख लेते हैं। तो n-b = 4, तो 20-b = 4, है ना। अब इस माइनस बी को मैं यहाँ रखता हूँ और इस 4 को मैं यहाँ रखता हूँ, तो चलिए आते हैं 20 = 4+b, 20-4 = b, तो b कितना आ गया? 15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ आपकी कितनी है? लेंथ जो आपकी n थी वो आप 20 मीटर है, और विड्थ या ब्रेथ ही हम कहते हैं यहाँ पे, विड्थ है वो कितनी होगी हमारी? 15 मीटर, ठीक है। और ये अब क्या है? आंसर।
तो इस क्वेश्चन में इतना ही, ये वीडियो 5 मिनट की बन चुकी है और मैं ट्राई करूँगा कि मेरी आगे की आने वाली वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहे जिससे आपको भी आसानी हो क्वेश्चन को समझने में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाता रहूँ और आपकी मदद करता रहूँ और आपकी जो गाउसिंग को क्लियर करता रहूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आपको एक पैसा नहीं देना सब्सक्राइब करने का। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन बन दबा दीजिएगा। कंडीशन ये है कि मैं आगे कोई भी वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बन दबा दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।